मेरा नाम मुकेश वर्मा है और जैसे मेरी पहली वीडियो आई थी स्टैमरिंग के ऊपर, एक ये मेरी सेकंड वीडियो है स्टैमरिंग के ऊपर। मेरा ग्रुप है स्टैमरिंग विन, तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा स्टैमरिंग विन इसको अवॉइड करने कुछ मेथड है। पांच मेथड है इसके, बेसिक मेथड है, जो मेथड तो और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेथड है पांच मेथड वो ये है, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा। और मैंने इस चीज़ से 23 ईयर में लाइफ का मैंने सफरिंग किया है स्टैमरिंग से, तो मेरा यही पॉसिबिलिटी है, मेरा यही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर पाऊँ इस चीज़ के मामले में, क्योंकि मैंने देखा है एक स्टैमर पर्सन को बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि वो जो उसका माइंड होता है, जो बोलना चाहता है, वो अपना एक्सप्रेस कहीं भी ज़्यादा उसको गिल्टी फील होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो स्टैमर पर्सन है प्लीज़ ये जो पांच मेथड है ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इनको अपनाया है और मैंने अपने आप में ज़्यादा चेंज लाया हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ, अभी भी कई कंडीशन ऐसी आती है मैं स्टैमर हो जाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया है और मैं ठीक हो चुका हूँ, जैसे अभी आप लोगों के सामने मैं बात कर पा रहा हूँ। लेकिन कई कंडीशन ऐसा है जहाँ मीटिंग है वहाँ मैं अभी भी फंस जाता हूँ, लेकिन मेरा होप है कि मैं बहुत जल्दी 100% अपने आप को रिकवर कर लूँगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये पांच मेथड है स्टैमरिंग में। सबसे पहला है रामबाण मेडिटेशन। मेडिटेशन जितना पॉसिबल है 2 टाइम कीजिए एक दिन में, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, वरना एक टाइम तो कंपल्सरी करना ही करना है। ये मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होगा और हमको एक स्टैमर पर्सन को माइंड शांत करना है, और वो जब तक उसका माइंड शांत नहीं हो पाएगा तब तक वो आराम से नहीं बोल पाएगा। तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट मेथड है इसको अवॉइड करने का। सेकंड है डेली टू मीट 50 to 100 पीपल। डेली कोशिश करो कि 40 से लेके 50, 100, 80 जितने लोगों से मिल पाओ मैक्सिमम, क्योंकि जब तक हम एक स्टैमर पर्सन ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाएगा तब तक उसका डर है अंदर का, वो नहीं निकलने वाला। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है फोन पे या फेस टू फेस 50 to 100 लोगों से डेली आप मिलिए। थर्ड है प्राणायाम योगा। ये पांच प्राणायाम है, भस्त्रिका का प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, सिंहासन, अलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। ये पांच प्राणायाम है, इनको 10 मिनट भी कीजिए तो डेली 1 घंटा एक्सरसाइज होती है सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब भी टाइम लगे आपको, प्लीज इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। 1-2 महीना आप करके देखिए, जस्ट 1 महीना, उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपको इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ मेथड है स्लो स्पीकिंग माइंड फ्री। आराम से बात करो, जैसे माय नेम इज मुकेश वर्मा, आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सामने वाला आपको सुन रहा है वो भी समझ सकता है, और जितना आप आराम से बोलोगे उतना ही अच्छा है और उसको एक बार में समझ आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल माइंड फ्री होकर बोलो। पांचवा मेथड है मिरर इन फ्रंट स्पीकिंग। अगर आपके घर में कोई बड़ा मिरर है या बड़ा कोई छोटा भी है उसके सामने खड़े होकर तो बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, चाहे जो भी बुक आपको पसंद हो, इंग्लिश, हिंदी, नॉवेल्स या आपकी स्टडी बुक है, उसको डेली 30 to 30 मिनट मिनिमम पढ़ना है आप लोगों को। और पढ़ के जैसे कोई भी टॉपिक मतलब उठा लीजिए, आप जैसे इंडिया है मेरा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो ऐसे हम लोग को उसके सामने बोलने का प्रैक्टिस करना है। और ये पांच मेथड बताए हैं मैंने, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा कि भस्त्रिका का प्राणायाम, ऊर्जाई ये कैसे करने हैं, लेकिन अभी भी आप स्टार्ट कीजिए और YouTube पे ये आपको मिल जाएंगे सभी प्राणायाम, भस्त्रिका, ऊर्जाई, सिंहासन, अलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। और मेडिटेशन की बहुत सी वीडियो है YouTube पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ मैं वही वीडियो लेके आऊंगा। और जैसे मैंने पहले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बताया हुआ है, मेरा फ्रेंड नंबर है 8496888047, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
8496888047 एंड मेरी मेल आईडी है mukesh01@gmail.com। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे या मेल आईडी द्वारा या व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉलिंग करनी है वीडियो कॉलिंग भी आप लोग मुझे कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट।